जिला सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा में गांधी संकल्प यात्रा की शुरुआत करने पहुंचे डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव को भारत साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच बताया, जिसमें उन्होंने चुनाव की तुलना मैच से करते हुए विपक्षियों पर हमला करते हुए बोला कि जिस प्रकार भारत साउथ अफ्रीका मैच में साउथ अफ्रीका को फॉलो ऑन के साथ हार मिली है, उसी तरह से महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना और आरपीएफ की यूनिटी ही जीतेगी और विरोधियों को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ेगा। मैं चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्या क्वेश्चन है भाजपा की, क्या होगा रिजल्ट? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम वही होगा जो अभी भारत ने क्रिकेट मैच में साउथ अफ्रीका को फॉलो ऑन दिया है। हमने एक पारी और 100+ रनों से जीती है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई के युति जो है वो उसी तरह से जीतेगी और विरोधियों को फॉलो ऑन का सामना करना है। उमरिया बांधवगढ़ नेशनल पार्क अपनी पहचान का मोहताज नहीं है, पर यहाँ के अधिकारी कर्मचारी पार्क में किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि नेशनल पार्क के नियमानुसार जंगल सफारी के दौरान पार्क के अंदर प्रत्येक जिप्सी से 500 मीटर की दूरी पर दूसरी जिप्सी होनी चाहिए। कोई भी जंगली जानवर देखने के लिए उसे एक निश्चित दूरी पर ही रहकर जानवरों को देखना अनिवार्य है, मगर 12 तारीख की शाम के वक्त मगधी जोन के भूल भुलैया में डॉट सी अपने बच्चे के साथ बैठी थी, तभी जिप्सी वालों ने शेरनी को उसके बच्चों के साथ घेर लिया, जिससे कोई गंभीर हादसा भी हो सकता था। जिप्सी वाहन प्रत्येक वाहन को अपने तय रूट पर ही चलना है, मगर यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से सैलानियों की जान खतरे में डालकर अपने फायदे के लिए जिप्सी प्रबंधक और कुछ कर्मचारी समीप से ले जाकर जानवरों का दर्शन कराते हैं। मगधी रेंज के भूल भलैया क्षेत्र पे शेरनी डॉट ई को देखने के लिए प्रकरण ने उसे घेर के देखा है, जो जबकि वो अपने बच्चों के साथ थी, तो ये नियम में है। जो वाहन चालकों को से एक सशर्त अनुबंध किया जाता है उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी प्रकार से वन्य जीवों को परेशान नहीं करेंगे। जिस घटना की आपने जानकारी दी है इसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और यदि ये पाया जाता है कि किसी तरह से वन्य जीव को घेर कर उसको डिस्टर्ब किया गया है तो हम लोग जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है उसको सुनिश्चित करेंगे। सर, वाहन अपने क्षेत्र से हट के भी कई बार इधर उधर जाते हैं तो नहीं? वाहनों के लिए देखिए एक जोन और पर्यटन रूट निर्धारित रहता है और उनके जो टिकट दिए जाते हैं, जो परमिट दिया जाता है, उसमें वही परमिट में उसी जोन और उसी रूट में जाने का उनको निर्देश रहता है। इसके बीच बीच में हम लोग चेकिंग करते रहते हैं जब भी कोई व्यक्ति है, और इस तरह की अभी तक कोई ऐसी बात मतलब हम लोगों की चेकिंग के दौरान में अभी तक ऐसी कोई खबर में नहीं आई है। एक तो इस तरह से जो भी यदि कोई एक अपने रूट को छोड़कर दूसरे रूट में जाएगा, क्योंकि सामान्यतः एक रूट से दूसरे रूट में जाने के लिए जो रास्ते रहते हैं उसमें अस्थायी रूप से हम लोगों ने टेम्प्रेरी ड्रॉप गेट भी लगाए। सर, कुछ लोगों का कहना है कि GPS होना जिप्सी में अनिवार्य है। GPS नहीं, एक जो भी शर्तें हैं जैसे निर्धारित गति सीमा का पालन करना या किसी एक स्थान पर बहुत अधिक समय तक नहीं रुकना, इनका पालन करने के लिए कान्हा और पेंच में एक ऐप उन्होंने एक कंपनी से लिया है और कुछ मोबाइल्स में वो ऐप डाल के वो प्रत्येक गेट पर जिप्सी के साथ में देते हैं और जब वो जिप्सी वापस लौटती है तो उसको एक आदमी इकट्ठा कर लेता है मोबाइल को और उससे फिर वो डाउनलोड करके देखते हैं कि कितना जो गति सीमा है या रुकने की जो वाहनों को रुकने की जो सीमा निर्धारित की गई है अनुबंध के अनुसार से उसके हिसाब से। थाना रिसिया के फतना जोहरा में खेत की सिंचाई वाले पाइप को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के प्रथम पक्ष के फतना जौहरा थाना रिसिया को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कुमार तिवारी को लखनऊ रेफर कर दिया गया। दोनों ही पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है, वहीं इस मामले में थाना स्थानीय द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये ग्राम फतना का मामला है जो थाना अंतर्गत रिसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
यहाँ पर पानी के पाइप को लेके विवाद हुआ है, जिसके क्रम में ये गोविंद हैं, गोविंद सनाप मूल है, और गिरधारी हैं सनाप लल्लन, इन दोनों लोगों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और तथा बाकी लोगों को भी कुछ चोटें आई हैं। इस मामले में दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना प्रचलित है, घायलों को चिकित्सालय भेज दिया गया है। विवेचना के क्रम में जो भी तथ्य प्राप्त होंगे उस पर नियमानुसार तर्कसंगत कार्यवाही करते हुए विवेचना संपादित की जाएगी। सर, इसमें दो लोगों को गंभीर चोटें भी हैं जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है, उनकी क्या स्थिति है? जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है, अभी तक हमें जो सूचना प्राप्त हुई है वो ठीक हैं और पूरी संभावना है कि वो सकुशल रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में थाना सुखपुरा के अंतर्गत ग्राम सभा देहलिया के ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में लगभग 50 की संख्या में सामूहिक आत्मदाह करने का प्रयास किया। अर्जुन राम से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में कुछ माफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर रखा है और प्रतिदिन अत्याचार करते हैं। हम लोगों ने जिलाधिकारी समेत उच्च अधिकारियों के साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया है, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताइए क्या नाम पड़ेगा आपका? सर, मेरा नाम जो है भूतपूर्व सैनिक अर्जुन राम जो है, हम ग्राम देलुआ के रहने वाले हैं, बेरवार बारी ब्लॉक में पड़ता है, सुखपुरा हमारा पोस्ट है, हमारा थाना जो है सुखपुरा है। क्या मामला है? आप जिलाधिकारी के साथ बात कर रहे हैं। 2017 से अप्लीकेशन देते देते थक गया, यहाँ तक कि मैं जो है फौजी आदमी, एक आदमी से जो है मैंने पैसा जो है किसी तरह से ही काटा करके अपने घर बनाने के लिए जमीन खरीदा, जो कि जबरदस्ती भूमाफिया जो है लैट्रिन तक, ग्राम समाज की कोई भी जमीन जो है भूमाफिया ने नहीं छोड़ा है, यहाँ तक से 20-25 बीघा जो है जंगल है उसमें भूमाफिया का जो है एक से एक मकान बना हुआ है। प्रशासन जाती है और चाय पीकर चली आती है, हमारे एप्लीकेशन पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि मैं राष्ट्रपति और क्या नाम है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हर एक जगह जो है डीएम साहब के पास भी जो है मैं 2 महीना पहले भी एप्लीकेशन दिया, हमारे एप्लीकेशन का जो है कचरे के ठाम में फेंक दिया जाता है। क्या आपने डीएम साहब की बात को बताया था? आपने जो एप्लीकेशन में हम जो है डीएम साहब के पेश हुआ और वो बोले कि ठीक है एसडीएम के पास जो है हम लिख देते हैं। हमारा लेखपाल कहता है कि चाहे प्रधानमंत्री को एप्लीकेशन दो, सारा जो है हमारे पास ही आएगा, हम जो चाहेंगे वो कहूँगा। अब बताइए हम कहाँ जाए? अब हम डीएम साहब के पास आए, कोई विकल्प हमारा नहीं रह गया कि अब किसके पास जाएं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, हर एक जगह मैंने जा चुका है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं सेना में रहकर देश का सेवा किया और समाज सेवी बनकर ग्राम देहुआ का सेवा भी कर रहा हूं, और साथ में हमारा भी लूटा हुआ जमीन के लिए मैं जो है बहुत दिन से, 2 साल से हमारा क्या नाम है ये पथलना सब हो रहा है। एक बार ना भी मारवाड़ जंक्शन के पूर्व विधायक केशा राम चौधरी एवं महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री व अखिल भारतीय प्रवासी नेता विधायक राज के पुरोहित ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पुणे में अखिल भारतीय राजस्थानी समाज की बैठक का आयोजन राज पुरोहित समाज भवन में रखा। भाजपा के दोनों कद्दावर नेताओं ने सभी प्रवासी भाइयों को विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। साथ ही विधायक एवं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री राज के पुरोहित ने सभा को संबोधित कर सभी राजस्थानी भाइयों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में भाजपा पुणे युवा मोर्चा अध्यक्ष यशवंत लायगुड़े के साथ अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चरथावल के ग्राम कुल्हेड़ी के किसानों में अवर अभियंता के प्रति रोष व्याप्त है। शिकायत है कि ग्रामीणों पर बिल 1,000 रुपए ही क्यों ना हो, वो अवर अभियंता अनुरोध सैनी किसानों के घरों की बिजली काट देते हैं,
और किसानों की सुविधा शुल्क देने पर बिजली जोड़ दी जाती है। सवाल यह है कि जब कनेक्शन काट दिया गया तो सुविधा शुल्क लेकर जोड़ने का कौन सा प्रावधान है? जी आपका नाम? अनुराग सिंह नाम है। बताइए क्या हुआ है? ये हुआ जी कि कुलेड़ी बिजली घर पे जो बकायादार थे उनके केबल काटने हम गांव में गए और जिनके बकायादार के सभी केबल काट लिए। अच्छा, जैसे गांव में हम बकायादार केबल काट रहे तो कुछ उपभोक्ताओं के यहाँ में डबल केबल डले हुए मिले। कितने हैं उन लोगों के यहाँ डबल केबल चले? लगभग लगभग 8-10 तो हमने काट दिए केबल उनके सबके। अच्छा, केबल काट के उनके साथ किया है। और कुछ कंज्यूमर ऐसे थे जो मतलब मौजूद कितने केबल काटे आप? मौजूद फिलहाल 8 केबल कटे हैं डबल केबल। खबर जनपद महोबा के कुलपहाड़ तहसील के ग्राम चुरारी से, जहां किसान अपने खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, जहां पर ट्रैक्टर ड्राइवर ने शॉर्टकट लगाने के चक्कर में सीधे नहर से निकलने की कोशिश की, जिससे ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और नहर में पलट गया, जिसमें किसान हरिकृष्ण की दबकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल है जिनको CHC कुलपहाड़ में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई है। वहीं ड्राइवर मौके से फरार है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्लोबल हैंडवॉश मनाया गया। आपको बता दें कि बालाजी संस्थान द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिसके तहत देहरादून के डॉयवाला ब्लॉक के इंटर कॉलेज में टॉयलेट बनाने की शुरुआत की गई। इस दौरान इंडो स्टार कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। बाइट 1 अधिवेश सिंह बालाजी संस्थान, बाइट 2 सदस्य इंडो स्टार कंपनी। तभी पॉज कर दे। आज GIC बड़ोवाला का ये ग्राउंड है, यहाँ पे यहाँ के बच्चों के साथ वर्ल्ड हैंड वॉश डे आज मनाया गया है। इसके साथ ही हम बालाजी सेवा संस्थान, जो यहाँ का हम लोकल NGO पार्टनर है, जो सैनिटेशन पे काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, यहाँ हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया के सहयोग से इस स्कूल में टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा, उसका भी आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, वो सब किया गया है। और यहाँ जो टॉयलेट बन रहा है, और आज का प्रोग्राम का स्पॉन्सरशिप इंडो स्टार अपने CSR फंड से कर रहे हैं, और CSR के करीब 30 से 40 वॉलंटियर्स आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए, और बच्चों को कैसे हैंड वॉश किया जाता है, कैसे रहना चाहिए, गंदगी से कैसे दूर रहें, इसके बारे में उनको वीडियो दिखा कर फिल्में दिखा करके बताई गई, उनसे क्वेश्चन पूछे गए, उनको गिफ्ट दिया गया, और जो जितने सारे वॉलंटियर्स थे उसे बहुत सारे एक्टिविटी बच्चों के साथ उन्होंने किया, और बच्चों भी काफ़ी इंजॉय किए। आपको पता होना चाहिए, अगर जितने भी गंदगी कारण बीमारियां होती है बच्चों में, अगर सारे बच्चे हैंड वॉश करके अगर खाना खाएं तो उसमें 33% जो वो सब बीमारियां हैं वो दूर हो सकती है। तो पूरे वर्ल्ड में WHO के द्वारा ये हैंड वॉश डे 15 अक्टूबर को एवरी डे मनाया जाता है। तो हम लोग GIC स्कूल में यहाँ के शिक्षक बच्चों के साथ, इंडो स्टार के पूरे वॉलंटियर्स उनके स्टाफ के साथ, और हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के सहयोग से हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। Hi, I'm Achu from Habitat for Humanity India. Today we are so glad that we are able to celebrate the Global Hand Wash Day. And Hand Wash Day at GIC Dehradun. And 500 students participated with Indo Star volunteers. 22 of them came together and we had a good time with the students celebrating that it is a basic and it is a necessary needs for the students and for every children. And at the same time we are able to celebrate the campaign to bring changes in the community by supporting a sanitation unit by Indo Star. So we'll be constructing a sanitation unit here in GIC school at Dehradun. So we thank you so much to the Indo Star as well. Thank you. नमस्कार, आज बालाजी सेवा संस्थान ने हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी और इंडो स्टार के साथ मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन करा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आज जो अपना विश्व जो हाथ धुलना दिवस था उसे मनाया गया है, और इसके साथ साथ हमने एक यूनिट लगाने के लिए भी आज कार्य को शुभारंभ करने के लिए काम किया है। तो बस
मैं हरिंद कुमार शर्मा, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया, देहरादून से। आज हम लोग ने जीआईसी बड़ोवाला में एक ग्लोबल हैंड वॉश प्रोग्राम किए, जिसमें हमारे हमारे डोनर इंडो स्टार एंड लोकल एनजीओ पार्टनर अपने बालाजी ने बच्चों के साथ 494 बच्चों के साथ अवेयरनेस पे हम लोग ने अवेयरनेस मतलब इन लोग का अवेयरनेस किया और बताया कि कैसे कब कब हाथ धोना है ना। तो उससे जैसे यूनिसेफ का रिपोर्ट है कि यदि डायरिया जो है ना 40% इससे ये हो जाता है कि हाथ जैसे शौचालय जाते हैं तो कैसे धोते हैं, उनका स्टेप बताए 7 स्टेप्स में कैसे कैसे करना है। इसके बाद में बहुत बच्चों लोग खुश हुए कि इन लोगों को ऐसा कुछ जानकारी मिल नहीं रही थी, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और इन बच्चे ने सबसे बड़ी बात है कि बच्चे लोग ने ये शपथ लिया कि अपने मोहल्ले में अपने कोलिग्स को अपने जो फ्रेंड है उनको भी वो सिखाएंगे स्टेप्स की कैसे हाथ धोना है, क्या बताना है ना। तो ये सबसे बड़ी आज की उपलब्धि रही हमारे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो बकायदा जन सेवा केंद्र बनाकर फर्जी आधार कार्ड तैयार किया करते थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 8 नकली आधार कार्ड और 43,500 रुपए की नकदी के अलावा तमाम सामान बरामद किया है जिसके जरिए वह आधार कार्ड बनाया करते थे। पुलिस गिरफ्तार किए गए इन लोगों से गहनता से पूछताछ कर रही है और यह भी जानकारी की जा रही है कि आखिरकार इनके द्वारा अभी तक कितने फर्जी आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। ये कल शाम करीब 9:15 बजे के करीब लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा ये प्रेम नगर गली नंबर 2 से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से आधार कार्ड बनाने की फर्जी चीज़ें बरामद हुई हैं। ये जो कि सरकार के आदेश के अनुरूप आधार कार्ड किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस के ही थ्रू बन सकता है, लेकिन ये लोग फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना रहे थे तो सूचना पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त में एक का नाम अबरार है और दूसरे का अनिल है। ये दोनों राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के ही रहने। बरामदगी में इनके पास से आधार कार्ड बनाने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, 4 अदद लैपटॉप है, पेटीएम मशीन है, प्रिंटर है, स्कैनर है, फिंगर रेटिना स्कैनर है, थंब स्कैनर है और 8 के करीब आधार कार्ड और 43,030 रुपये बरामद हुए। पिछला आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, इनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। आधार कार्ड बनाने का काम इतना गैर कानूनी है, इस पर पूरी हमारी नज़र है। अगर इस तरीके का कोई नेटवर्क और भी पता चलता है तो और जगह भी पुलिस की छापेमारी और कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ भी 467 का मुकदमा लिख के कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नहीं, इसकी विस्तृत जाँच की जा रही है। बहरहाल इनसे 8 आधार कार्ड बरामद हुए हैं, 43,000 के करीब रुपए बरामद हुए हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट बरामद हुए हैं और बाकी चीज़ें देखी।